अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल अलग तरीके से बना हुआ गुलगुल्ले की रेसिपी। तो ये जो मैंने कप दिखाया है उससे 1.5 कप मैंने गेहूं का आटा ले लिया है और इसमें हम डाल देंगे भर के 1 चम्मच सौंफ। सौंफ का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है तो इसमें ज़रूर डालिएगा और पचने में भी ये हेल्प करता है। और इसमें मैं डाल देती हूँ उसी चम्मच से जिससे हमने सौंफ डाला था, नारियल का बुरादा 4 चम्मच इसमें हम डाल देंगे या डेसिकेटेड कोकोनट। तो उसे हम इससे इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है जब ये गुलगुल्ले बन के तैयार होते हैं तो। और जितना हमें चीनी चाहिए उतना डाल लेते हैं, कोई ज़्यादा मीठा खाता है कोई कम खाता है। तो मैंने यहाँ उसी चम्मच से 4 चम्मच चीनी ऐड कर दिया है और इसमें 1/4 चम्मच हम इसमें डाल देंगे मीठा सोडा और थोड़ा सा खुशबू के लिए मैंने डाल दिया है इलायची पाउडर। अगर पाउडर नहीं हो तो बड़ी वाली इलायची को कूट के, उसके बीज को कूट के और डाल दीजिएगा, खुशबू बहुत अच्छी आती है। विस्कर के हेल्प से थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ आटे को ताकि हर चीज़ इसमें मिक्स हो जाए। और इसमें और रिच बनाने के लिए इस गुलगुल्ले में मैं डाल देती हूँ मलाई। ये फ्रेश मलाई है जो दूध के ऊपर जमती है ना घर में, वही मलाई मैंने लिया है। तो इसको हम डाल देते हैं, 3 से 4 चम्मच डाल देंगे। 4 चम्मच मैंने डाला है इसमें, सेम मैंने चम्मच लिया है उसी से, कोई भी आप एक घर का रेगुलर चम्मच ले लीजिए उसी से हर चीज़ नाप के डालिएगा। और इसको हल्का सा मिक्स करेंगे, फिर उसके बाद मैंने पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा करके पानी को डालेंगे और इसको हम घोल लेंगे। थोड़ा सा इसका घोल थीकी बनाएंगे। तो इस तरीके से इसे हम एक ही डायरेक्शन में इसे हमें फेंटना है ताकि इसमें जो एयर जाए ना, जिससे हमारे जो गुलगुल्ले बनेंगे वो जालीदार बन के तैयार होंगे। अभी बेटर गाढ़ा है तो थोड़ा सा और मैंने इसमें पानी डाला है और डाल के फिर मैं इसको मिला लेती हूँ अच्छे से। इसको कम से कम लगभग आप इसे 10 मिनट तक ज़रूर फेंटिएगा और उसके बाद से 10 मिनट तक इसको रेस्ट दीजिएगा। तो इसका फेंटना बहुत ज़रूरी है तभी आपके गुलगुले बहुत अच्छे बनेंगे और जो इसमें हमने सामान का इस्तेमाल किया है उसके वजह से भी ये बहुत टेस्टी बनेंगे। तो चलिए देखिए इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ मैं। बस इतना होना चाहिए कि अच्छे से आप हाथों में लेके और तेल में डाल सकें। आप इसे हाथों से भी डाल सकते हैं और चम्मच से भी डाल सकते हैं, दोनों तरीके से। थोड़ा सा 1 मिनट और मैं इसे फेंट लेती हूँ और फेंट के इसे हम रख देंगे लगभग 10 मिनट के लिए, सिर्फ रेस्ट देंगे। उसके बाद इसको हम फ्राई कर लेंगे गुलगुल्लों को। तो जब भी बनाना होगा तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं, इफ्तार में भी बना सकते हैं या जब भी खाना हो तब भी बना सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो 10 मिनट मैंने ढक के रख दिया है। एक बार और मैं दोबारा इसको विस्कर के हेल्प से मिला लेती हूँ, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर चलिए इसे हम फ्राई करते हैं। तो इसे फ्राई करने के लिए मैंने हाथों से ही उठा के इसे डाल दिया है कढ़ाई में। आप स्पून से भी डाल सकते हैं, हाथों से भी डाल सकते हैं। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है, मीडियम फ्लेम पे एक साइड से इसे डाल के हम 5 मिनट फ्राई कर लेंगे, फिर दूसरे साइड से पलट के सेक लेंगे हम 5 मिनट, 5 से 6 मिनट। जब इस कलर का हो जाए, गोल्डन कलर का, उतना हमें फ्राई करना है। और जब गोल्डन कलर का हो जाएगा तो फ्राई करके निकाल लेंगे। दूसरा बैच भी मैंने डाल दिया है तो इसी तरीके से सभी हम फ्राई करके निकाल लेंगे। तो जितने हमारे बेटर थे उससे में इतना बन के तैयार हुआ है। तो देखने में जो जितनी अच्छी माशाल्लाह लग रही है ना, खाने में इसका टेस्ट जब आप इसे बनाएंगे ना तो तभी पता चलेगा। तो इसका टेस्ट चखने के लिए आपको इसे बनाना पड़ेगा, तो ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छी, जो नॉर्मल गुलगुल्ले बनते हैं उससे इसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो एक बार आप इसे बनाएंगे तो पिछले वाले गुलगुल्ले बनाना भूल जाएंगे, इसी तरीके से आप हर बार बनाएंगे। वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक शेयर, और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। एक मैं इसको तोड़ के दिखा देती हूँ। देखिए अंदर कितनी अच्छी जाली बनी है, सिर्फ मैंने 10 मिनट इसे फेंट के रखा था, तुरंत बना दिया था। तो चलिए अभी जाना चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।